Brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चांद की सतह पर लंबी दूरी तय करने के लिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए कार बना रहा है। इस कार के लिए उसने 3 कंपनियों को चुना है, इंट्यूशन मशीन्स, लूनर आउटपोस्ट और वेंटुरी एस्ट्रोलैब्स। ये तीनों मिलकर खास तरह की गाड़ी जिसका नाम है लूनर टेरेन व्हीकल, उस पर काम कर रही है। तीनों कंपनियों को नासा ने काम सौंप दिया है और ये तीनों कंपनी अब नासा के आर्टेमिस मून मिशन के लिए लूनर रोवर बनाएंगी। इन रोवर्स का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर ज्यादा दूरी तक रिसर्च पर काम कर पाएंगे और ये गाड़ी आर्टेमिस 5 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर भेजने की तैयारी है, जिसका टारगेट साल 2029 है। ह्यूस्टन स्थित नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की डायरेक्टर वनेसा वाइस ने कहा कि हम आर्टेमिस जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल बनाने जा रहे हैं। ये गाड़ियां चांद पर एस्ट्रोनॉट्स की ताकत और क्षमता बहुत हद तक बढ़ा देंगी। नासा अपने LTV को निजी कंपनियों से बनवा रही है और इस बार ये डिजाइन बहुत खास है। चांद पर चलने वाली गाड़ियों के लिए 3 कंपनियों को नासा कुल 38,374 करोड़ रुपए देगा। सभी कंपनियां पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगी, साल भर इस पर अध्ययन करेंगी, उसके बाद नासा की जरूरतों के हिसाब से LTV बनाएंगी। लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी का LTV चांद पर भेजा जाएगा, बाकी 2 कंपनियां चाहे तो अपना रिसर्च जारी रख सकती हैं या अपनी गाड़ियों को किसी दूसरी प्राइवेट एजेंसी के जरिए चांद पर पहुंचा सकती हैं। यानी जो 3 कंपनियां गाड़ी बनाएंगी उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा और उसी को आर्टेमिस मून मिशन के अंतर्गत चांद पर भेजा जाएगा। ये भी संभव है कि नासा भविष्य में इनमें से एक कंपनी की गाड़ी सिलेक्ट करे, बाकी 2 कंपनियों की गाड़ियां यानी LTV को बैकअप के तौर पर रखे। आर्टेमिस मिशन के दौरान ये LTV रिमोट से कंट्रोल करके देखी जाएंगी ताकि चांद पर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल इनका हो सके। LTV का इस्तेमाल बिना एस्ट्रोनॉट्स के उन जगहों पर भी किया जा सकता है जहां पर जाने में खतरा है और हाँ, जहां के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, जैसे चांद के अंधेरे वाले हिस्से या फिर क्रेटर में जाने से पहले इन LTV को भेजकर उस जगह की रेकी कर ली जाएगी और इससे चांद पर आने वाला भविष्य का हर मिशन आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।